और हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। स्टार्ट होने वाला है दोस्तों आज का ये सेशन। जिन भी साथियों ने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर जेल प्रहरी के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं दोस्तों, तो मॉडल पेपर अवश्य लगाएं। आपके जो जेल प्रहरी के 100 नंबर का पेपर आना है वो 20-20 नंबर के सभी प्रकार से जो है यहाँ पर मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर आपको दोस्तों खरीदना पड़ेगा, और इसमें आप सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो आपको 40% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो इन मॉडल पेपर को लगाएं, बहुत ही बढ़िया मॉडल पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट लगा रहे हैं, आप भी लगाएं, है ना। कमेंट करके मुझे बताते हैं सर मेरे इतने नंबर आए, उतने नंबर आए, तो अपना आकलन और जांच करते रहें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आपको दबाना है, ठीक है। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि बाण सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना है, बिल्कुल सरल है और उत्तर भी आपको बताना है किस नदी पर बना है। अगर आपसे बन रहा है तो फटाफट से उत्तर का चयन करके कमेंट में लिखते जाएं। चार विकल्प हैं दोस्तों आपके, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। पहला है चंबल, दूसरा नर्मदा, तीसरा ताप्ती और चौथा है दोस्तों सोन। और ये आपको दिख रहा है चित्र में, ये बाण सागर डैम है, ठीक है। और ये बाण सागर जो डैम बना है वो बना है दोस्तों सोन नदी पर। सोन यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सोन से बनेगा सोने का जो मृग है, सोने के मृग को बाण मारा था किसने, राम जी ने। बोले सर सोने के मृग को बाण मारा राम जी ने, तो सोन नदी पर कौन सा बांध बनेगा, बाण सागर, सोने का संपर्क बाण से, तो बाण सागर बांध सोन नदी पर। और सोन नदी मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नर्मदा की बात करें तो ये नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1077 इसकी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बात करें चंबल की तो ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों चंबल, और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ताप्ती की बात करें दोस्तों तो ये ताप्ती बैतूल के मुलताई से निकलती है, और ये ताप्ती और नर्मदा ये क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। तो इनको याद रख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या है, यहां पर यहां से निकलती आपकी सोन नदी है ना, आने ऊपर से, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको 2 सेकंड में बताना होगा कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध जो है किस नदी पर बना है, तो आंसर हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 2 का, चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, ताप्ती या फिर सोन नदी पर। तो गांधी सागर बांध बताना है दोस्तों, आपको पता है कि ये गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर बांध ये आपके बने हैं दोस्तों किस नदी पर, चंबल, है ना, चंबल, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिनसे बनता है उत्तर वो कमेंट में फटाफट से बताते जाएं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सभी किस पर बने हैं, चंबल पर बने हैं। और ये देखो दोस्तों आपका गांधी सागर डैम है, और ये गांधी सागर डैम बना है चंबल नदी पर, और ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गांधी सागर डैम किस जिले में बना है, तो आप बता देना कहां पर, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर में है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला है ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है, बहुत ही बढ़िया प्रसिद्ध बांध है दोस्तों, बांध से एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका याद रखना है कि ओमकारेश्वर जो बांध है वो किस नदी पर बना है, चंबल पर है, नर्मदा पर है, ताप्ती या फिर सोन नदी पर है। ये ओमकारेश्वर बांध का चित्र आप देख रहे हैं, ये ओमकारेश्वर बांध है, और दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध बांध माना जाता है ओमकारेश्वर का, और ये आपका बिल्कुल सही है आंसर, क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा यानी बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। सोन नदी पर आपका बाण सागर है, चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, ये बांध बने हैं। नर्मदा पर आपका ओमकारेश्वर बांध बना है, यहां पर आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका खंडवा, इस खंडवा में आपका ओमकारेश्वर डैम बना है, इसको याद रख लेना है। और दोस्तों यहां पर खंडवा की जब बात होती है तो यहां पर मंधार जलप्रपात पूछा जाता है हमेशा, मंधार जलप्रपात कहां पर है,
तो आप बता देना कहां पर है, खंडवा में, ठीक है, इसको याद रख लेंगे खंडवा के बारे में। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि तवा बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही बढ़िया बांध है दोस्तों ये तवा बांध, है ना, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या फिर तवा, किस नदी पर बना है तवा बांध। और आपको बताना है, एक क्वेश्चन और आपको ही बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, बताना है जल्दी से। और तवा बांध ये किस नदी पर बना हुआ है, तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो अधिकांश लोग बता रहे हैं कि सर तवा बांध पर, तवा नदी पर तवा बांध बना है, है ना, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। और ये तवा बांध है दोस्तों, ये तवा बांध है, है ना, और तवा जो बांध है दोस्तों ये लंबा बांध है, और ये कहां पर बना है, होशंगाबाद में बना है, होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद में ये चीज आपको याद रखनी है। और होशंगाबाद के अंतर्गत आपका क्या आता है, पचमणी, है ना, पचमणी आता है, पचमणी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, ये तो आपको कई बार मैंने बताया, रट गया होगा, ठीक है। पचमणी में आपका अप्सरा जलप्रपात भी है, कौन सा जलप्रपात है, अप्सरा, ठीक है। पचमणी में दोस्तों आपका क्या है, धूपगढ़ भी है, धूपगढ़ भी कहां पर है, पचमणी में, तो इनको भी आपको याद रखनी है। और होशंगाबाद की अगर बात करें तो होशंगाबाद ये दोस्तों आपको यहां पर बोरी अभ्यारण है, बोरी अभ्यारण, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, होशंगाबाद में। और पवारखेड़ा जो गेहूं का क्या है, गेहूं का माना जाता है दोस्तों आपका अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा, वो भी होशंगाबाद में है। फिर पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महेश्वर परियोजना किस नदी पर बना है। महेश्वर चंबल नदी पर है, ताप्ती, नर्मदा या फिर तवा नदी पर। बहुत ही बढ़िया है, ये चित्र के माध्यम से देखो दोस्तों, ये महेश्वर परियोजना है, महेश्वर बांध है, है ना, और ये कहां पर बना है ये हमें बताना है। और प्रश्न क्रमांक 5 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बना है नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर, कहां पर, खरगोन में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नर्मदा नदी पर ये महेश्वर बांध बना है और ये बना है खरगोन में, तो इसको याद रख लेना है, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि महेश्वर बांध कहां पर बना है, आप बता देना खरगोन में। फिर आपसे पूछा जाएगा किस नदी पर बना है, आप बता देना नर्मदा में। तवा बांध किस नदी पर बना है, तवा नदी पर, ठीक है। चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है, कोटा बैराज और गांधी सागर, ये सभी चंबल नदी पर बना है, इनको हमें याद रखते जाना है, रटते जाना है, ठीक है। राजघाट बांध किस नदी पर बना है दोस्तों, राजघाट बांध, और बहुत ही प्रसिद्ध बांध माना जाता है दोस्तों राजघाट बांध, ये चंबल पर है, नर्मदा पर है, ताप्ती पर है या फिर बेतवा पर है। और राजघाट बांध ये आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, और आपको पता है दोस्तों कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है बेतवा। बेतवा नदी पर बना हुआ जो बांध है वो बांध है तवा राजघाट बांध, ठीक है, इसको याद करेंगे। और बेतवा नदी मैंने आपको बताई थी कि एक कुमरा गांव से निकलती है, कहां से निकलती है, कुमरा गांव से। और एक कुमरा गांव कहां पर है, तो ये पड़ता है आपका रायसेन में, ठीक है, कहां पर पड़ता है, रायसेन में पड़ता है आपका कुमरा गांव, इसको याद रखेंगे। और इस बेतवा नदी पर बना है दोस्तों ये आपका, बेतवा नदी पर बना हुआ राजघाट बांध है, बहुत ही प्रसिद्ध बांध माना जाता है दोस्तों राजघाट बांध। और ये है आपका क्या, रायसेन, यहां से आपकी बेतवा नदी निकलती है रायसेन से, ठीक है, और इस बेतवा नदी पर बना हुआ ये बांध है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। इंदिरा सागर बहुत ही प्रसिद्ध बांध माना जाता है दोस्तों, ये इंदिरा सागर डैम आप चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये चंबल पर है, नर्मदा, बेतवा या फिर ताप्ती, यहां पर बताना है कि जो इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर बना है। ये बांध आपको अच्छे से पढ़ना है, रट लेना है, याद कर लेना है, यहां से क्वेश्चन आपके बांध के जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो इंदिरा सागर बांध है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, ये भी नर्मदा नदी पर बना है। ओमकारेश्वर भी नर्मदा पर है, महेश्वर भी नर्मदा है, और इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर डैम भी किस पर है, नर्मदा पर है। और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये गुजरात में कौन सा है दोस्तों, और ये जो है ये खंडवा में बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इंदिरा सागर बांध जो है ये
खंडवा में बना है, है ना, और इसे पुनासा डैम भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, पुनासा। और बरगी बांध किस नदी पर बना है, चंबल पर, ताप्ती, नर्मदा या फिर बेतवा पर? ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। बरगी बांध ये किस नदी पर बना है दोस्तों, ये जबलपुर के निकट दोस्तों बरगी नामक स्थान पर ये बना हुआ है बरगी बांध, और ये जो बना है वो बना है दोस्तों किस नदी पर, नर्मदा, है ना, नर्मदा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, नर्मदा पर बना हुआ ये बरगी बांध है ना, और ये है दोस्तों आपका बरगी बांध। बरगी बांध ये कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है, तो जबलपुर आपको याद रखना है, और दोस्तों ये आपका जबलपुर है। जबलपुर के बारे में बहुत सारे तथ्य आपको याद करना है। सबसे पहले तो आपको याद करना है दोस्तों, यहां पर सबसे जो प्रसिद्ध माना जाता है वो माना जाता है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात माना जाता है। फिर दोस्तों हम इसके बारे में बढ़ते हैं, कौन सी, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट पर यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, ठीक है, इसको याद रख लेना है, और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। फिर जबलपुर के बारे में याद करना है आपको, वन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है, और दोस्तों जबलपुर में आपको पता है कि यहाँ पर व्हीकल फैक्ट्री भी है जबलपुर में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और जबलपुर की बात करें तो इसे आम जिला भी कहा जाता है, जबलपुर को आम जिला, आंवला जिला कहा जाता है पन्ना को, आम जिला कहा जाता है जबलपुर को। और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में है, ठीक है, तो जबलपुर के बारे में इतना अच्छा से याद रख लेना है। और इसे संस्कार धानी भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, संस्कार धानी, किसे, जबलपुर को। तो ये सारे तथ्य आपको याद रख लेना है जबलपुर के बारे में, ठीक है। और बरना बांध किस नदी पर बना है, बरना बांध, ये चार विकल्प है, बरना बांध के बारे में आपको बताना है, ये किस नदी पर बना हुआ डैम है, चंबल पर है, वरना पर है, ताप्ती या फिर बेतवा पर है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है। और 9 का बरना आ रहा है तो बरना ही इसका होगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, है ना, बरना पर है। और दोस्तों यहां पर देखो, ए इस डैम में क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना, मजे ले रहे हैं आप लोग भी, है ना, मजे ले लेना इस डैम में जाके वरना। और दोस्तों ये आपका कहां पर है, तो ये रायसेन में, इसको याद रख लेना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसकी बात होती है दोस्तों कि ये नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध माना जाता है, ऊंचा बांध है ये सरदार सरोवर। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि सरदार सरोवर जो बांध है दोस्तों, ये गुजरात के कहां पर है, नर्मदा जिले में है, ठीक है, एक फैक्ट आपको याद रख लेना है। दूसरा फैक्ट दोस्तों, इस सरदार सरोवर की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, तो जो ऊंचाई प्रस्तावित थी वो 130 मीटर थी, ठीक है, और फिर इससे 130 से दोस्तों इसकी कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई। कैसे कर दी गई, आपने एक नाम सुना था, कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपसे पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो आपको पता होगा मेघा पाटकर का नाम आपने सुना होगा, मेघा पाटकर और बाबा आमटे अरुंधति राय, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी, और 130 मीटर ऊंचाई के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, सरदार सरोवर बांध की 130 मीटर, और वर्तमान में इसकी ऊंचाई 90 मीटर है दोस्तों, किसकी, सरदार सरोवर की, और ये गुजरात में है, ये भी आपको याद रख लेना है, और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहां पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका सरदार सरोवर बांध, है ना, और यहीं पर सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगाई गई है, वो भी आपको पता है, ठीक है, गुजरात में है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है दोस्तों, यहां पर देखो, नर्मदा नदी पर बने बांध एक परियोजना आपको याद रख लेना है, नई रानी इंदिरा ओसम, ये नर्मदा नदी पर बने हुए कुछ बांध है, परियोजना है। सबसे पहले तो दोस्तों नई से हो जाएगा आपका क्या, नर्मदा नदी, ठीक है, अब रानी से हो जाएगा रानी अवंतीबाई सागर, इंदिरा से होगा इंदिरा सागर,
ओ से हो जाएगा दोस्तों आपको ओमकारेश्वर, सा से आपका होगा सरदार सरोवर और मा से होगा महेश्वर। तो आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है क्या, नई रानी इंदिरा ओसम, नई रानी इंदिरा ओसम ये याद रखेंगे तो नर्मदा नदी पर जितने भी बांध बने हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नई से नर्मदा, रानी से रानी अवंतीबाई सागर, इंदिरा से इंदिरा सागर, ओस से ओमकारेश्वर, सा से सरदार सरोवर और मा से महेश्वर परियोजना। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें चंबल नदी पर बने हुए बांध कौन से हैं। चंबल नदी पर तो चंबल को गरज, चंबल को अपनी गरज पर क्या है, घमंड है। चंबल को अपनी गरज पर घमंड है तो चंबल को गरज। तो दोस्तों कौन कौन से हैं चंबल को गरज। चंबल से को से हो जाएगा आपका कोटा बैराज, गा से हो जाएगा गांधी सागर, रा से हो जाएगा राणा सागर और जा से होगा जवाहर सागर। तो ये सिंपल सा है, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। अधिकांश लोगों को तो ये क्या हो जाएगा, याद ही हुआ होगा, हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चंबल नदी के थे और दोस्तों ये कुछ आपके नर्मदा नदी के थे। तो नर्मदा नदी के भी आपसे पूछे जाते हैं, चंबल के भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है, यानी कि प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर बताना है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है, जल्दी से बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया दीपक जी, ऐसी कितनी ट्रिक याद करें, बोले सर ट्रिक ऐसी बताओ कि याद ना करने पड़े, अपने आप याद हो जाए। वो ही मैं बोलता हूं, कभी कभी कोड भी याद कर लो, कभी कभी मैं ऐसी ट्रिक भी बताता हूं जिसको आपको याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है ना। अब यहां पर देखो दोस्तों, रेप्टाइल पार्क कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपको पता है कि जो सरीसृप होते हैं आपके, जो रेंगते हैं है ना, उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। जैसे आपकी छिपकली है ना, इस प्रकार से कैचुआ है, मेंढक है, इन्हें रेप्टाइल कहा जाता है, रेप्टाइल। ठीक है, तो ये रेप्टाइल पार्क कहां पर बनाया गया, तो ये बनाया गया दोस्तों कहां पर, पन्ना में। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको रेप्टाइल समझ में आ गया होगा कि रेप्टाइल क्या है, ये चित्र के माध्यम से देखो, ये रेप्टाइल है और रेप्टाइल को आप एक पन्ना में इनका चित्र बना दो। मैंने बोल दिया आप कि क्या बना दियो, पन्ना में रेप्टाइल का चित्र बना दो। रेप्टाइल का चित्र कहां बनाना है, पन्ना में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है ना, तो पन्ना में आप याद रख लेना। और पन्ना में इसे आम जिला भी कहा जाता है और पन्ना में दोस्तों हीरा की मजगवा खान भी है। ठीक है, मजगवा खान, इसको याद रख लेना है। अगला देखो, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर, पन्ना, जबलपुर या फिर सिवनी में। अब दोस्तों एक चीज बताना, उद्यान की बात हुई है, जब आप जितने सारे लोग देख रहे हैं कोई उद्यान लगाओगे तो उद्यान एकदम से बड़ा हो जाएगा कि मंद मंद गति से बड़ा होगा, जल्दी से बताओ। बोले सर उद्यान मैंने लगाया था वो मंद मंद गति से बड़ा हो रहा था, मंद मंद से हो रहा तो मंदसौर है ना। उद्यान की महाविद्यालय कहां पर होगा, मंदसौर में, क्योंकि मंद मंद गति से उद्यान बड़ा होता जाता है तो मंदसौर है ना। और ये रावण की ससुराल है दोस्तों, देख के आना इसको। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या था मंदसौर का, दसपुर। हमने पढ़ा था कि मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर, अफीम उत्पादन के लिए अग्रणी है। ठीक है, और यहां पर कौन सा डैम है, गांधी सागर डैम जो चंबल नदी पर बना है, इसको याद रख लेना मंदसौर के बारे में। ठीक है, और उद्यान की महाविद्यालय भी मंदसौर, और ये है आपका मैप में देखो, ये मंदसौर है, यहां पर है आपका गांधी सागर डैम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी ग्रह कहां पर स्थित है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मंदसौर में, नरसिंहपुर, जबलपुर या फिर सिवनी में। तो उत्तर बताएंगे सभी लोग, निकिता जी, रोहित जी, उत्तर क्या हो जाएगा, रघु, क्या हो गया शुभम जी, प्रश्न क्रमांक तीन का। और आपको पता है कि अगर किशोर को दोस्तों क्या हो जाए, किशोर अगर गलत रास्तों पर चल पड़ा तो सिंह के समान हो जाता है, सिंह के समान, तो नरसिंहपुर है ना, नरसिंहपुर में है दोस्तों किशोर बंदी ग्रह, इसको याद रखेंगे। बात सिवनी की करें तो सिवनी और छिंदवाड़ा में आपका पैंच राष्ट्रीय उद्यान है,
पैंच, ठीक है। बात जबलपुर की करें तो धुआंधार जलप्रपात जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे प्रसिद्ध है, मंदसौर को दसपुर कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका दसपुरा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो नरसिंहपुर, ये दोस्तों आपका नरसिंहपुर है, ये नरसिंहपुर है, इसको याद रखेंगे। और ये छिंदवाड़ा के, छिंदवाड़ा से लगा हुआ है, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है शिवपुरी, ठीक है, दूसरा शिवपुरी, पहले स्थान पर छिंदवाड़ा, ठीक है, और किशोर बंदी ग्रह आपका नरसिंहपुर में है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहां पर स्थित है, मंदसौर, इंदौर, जबलपुर या सिवनी। अच्छा, एक चीज बताना है दोस्तों आपको कि जो ऋतुएं होती हैं दौर दौर के बदलती हैं, ऋतुएं क्या करती हैं, दौर दौर के बदलती हैं, कभी बरसात ऋतु आ गई, फिर ठंड आ जाएगी, फिर गर्मी आ गई, ये ऋतुएं दौर दौर के बदलती हैं। तो ऋतु वेधशाला कहां पर होगा, अब आपको ही बताना है दोस्तों, इसका उत्तर आप ही बता दो। बोले सर ऋतुएं दौर दौर के बदलती हैं, तो इंदौर, और इंदौर यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब इंदौर की बात आती है तो इंदौर के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले तो यही पढ़ना है कि ये खान नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, एक फैक्ट याद करना। दूसरा, इसे दोस्तों अहिल्या नगरी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा, इसे कपड़ा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। चौथा दोस्तों, आपको पता है कि यहां पर सोयाबीन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, इंदौर में, ठीक है। इंदौर के निकट काकरी वर्णी से आपकी छिप्रा निकलती है, ठीक है। इंदौर के निकट महू से आपकी जानापाव से कौन सी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। तो इंदौर के बारे में भी बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये हमें से पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रख लेना। हाँ, वेरी गुड। और आज का जो करंट अफेयर्स है कि चौथी बार जो इंदौर है वो स्वच्छता में नंबर बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक जी, है ना, चौथी बार इंदौर फिर से अग्रणी रहा है, ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथी बार, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क स्थापित किया गया मंदसौर, होशंगाबाद, जबलपुर या फिर सिवनी में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पहला जो मदर मिल्क स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, तो पहला मदर मिल्क आपका हो जाएगा दोस्तों कहां पर किया गया, कहां पर किया गया, होशंगाबाद, होशंगाबाद, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, होशंगाबाद में किया गया। और होशंगाबाद के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि होशंगाबाद दोस्तों यहां पर तवा बांध भी बना है, है ना, तवा नदी पर तवा बांध भी बना है, पचमणी भी है, धूपगढ़ भी है, सतपुड़ा भी है, बोरी अभ्यारण भी है, पहला मदर मिल्क भी स्थापित किया गया आपका होशंगाबाद में, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया, मंदसौर, खंडवा, सिवनी या फिर जबलपुर में। और प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रथम आदिवासी बताना है और आदिवासी का आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। आप यहां पर शब्द देखो आदिवासी, आदि मतलब होते हैं प्रारंभ के वासी, प्रारंभ के वासी का क्या हम खंड खंड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदि के वासी हैं, प्रारंभ के वासी हैं, यानी कि इन्हें हम खंड खंड नहीं कर सकते। बोले सर तो ये आदिवासी मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया गया खंडवा में, खंडवा में ओमकारेश्वर डैम भी बना है आपका, मंदार जलप्रपात भी कहां पर है, खंडवा में है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ओमकारेश्वर का मंदिर भी कहां है, खंडवा में, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों खंडवा के बारे में। और ये आपका खंडवा है, ठीक है, खंडवा बिल्कुल आपको याद रख लेना है दोस्तों। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया, चार विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि पहला संस्कृति विश्वविद्यालय, और सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में संस्कृति है वो कहां पर है दोस्तों, कहां पर है, महाकाल की नगरी उज्जैन। आपको पता है उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। आदिकाल का संबंध कहां से है, उज्जैन से है, ठीक है। और आपका दोस्तों कौन सा, मंगलनाथ मंदिर भी कहां पर है, उज्जैन में है। महाकालेश्वर का मंदिर भी उज्जैन में है, और उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और छिप्रा नदी काकरी वर्णी से निकलती है। और कुंभ का मेला भी कहां लगता है, उज्जैन में लगता है।
और एशिया का दोस्तों आपको पता है कि एशिया का जो है सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है, उज्जैन में है। तो उज्जैन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें याद रखनी है जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये है दोस्तों आपका उज्जैन, है ना, उज्जैन है और ये मालवा क्षेत्र में पहुँच आता है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब अगला आपको बताना है, मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र स्थापित किया गया तो कहां पर किया गया, पहला सेलरिच जैविक खाद बताना है दोस्तों। और जैविक खाद की आवश्यकता किसको पड़ती है दोस्तों, आकाश को पड़ती है या फिर भू को पड़ती है, जल्दी से बताना है आपको किसको पड़ती है, कमेंट में उत्तर आप ही बताएंगे। बोले सर जैविक खाद की आवश्यकता आकाश को नहीं भू को पड़ती है, भू को यानी कि क्या हो जाएगा, भूपाल। बहुत बढ़िया दीपक जी, अवंतिका इसका प्राचीन नाम है उज्जैन का, है ना। और जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है भू को, है ना, तो भूपाल में ये जैविक खाद संयंत्र स्थापित किया गया, पहला सेलरिच जैविक खाद है, इसको याद रखेंगे। और इसके संबंध में यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो आपको याद करना ही है, ये भोपाल में है, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी याद रखनी है। सर्प उद्यान भी इसी में है, ठीक है। और ये भोपाल दोस्तों आपकी क्या है, झीलों की नगरी, नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है भोपाल को। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, जो कि सीहोर से अलग करके जिला बनाया गया था भोपाल, है ना, इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था, पहला समाचार पत्र बताना है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का। मैं आपको जब तक बता देता हूँ कि पहले की बात हो रही है, यानी कि जो पहला था वो कौन सा था, है ना, ये चीज बतानी है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का जो हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड, ये हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था और ये साप्ताहिक था, ठीक है। और भारत का द्वितीय जो ये दैनिक जो समाचार पत्र था, प्रथम दैनिक समाचार पत्र, वो था दोस्तों आपका कौन सा, समाचार सुधाभर्षण। समाचार सुधाभर्षण भारत का हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। अब बात होती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर अखबार, ये दोस्तों पहला समाचार पत्र था मध्य प्रदेश का। और ये किस भाषा में निकला था, तो ये निकला था उर्दू भाषा में, ठीक है। तो उर्दू भाषा में ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। मालवा अखबार ये हिंदी का अखबार था प्रथम, ठीक है। और दैनिक नवजीवन ये दैनिक था दोस्तों, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब अगला दोस्तों ये है आपका ग्वालियर, ग्वालियर अखबार ग्वालियर से ही निकलता था, ठीक है। अब जब ग्वालियर की बात होती है तो मैं आपसे पूछता हूं कि तानसेन सम्मान जो है, तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है, आप बता देते हो सब ग्वालियर में, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि गुजरी महल कहां पर स्थित है, आप बता देते हो ग्वालियर में। मान मंदिर कहां पर स्थित है, आप बता देते हो ग्वालियर में, ठीक है। सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है, आप बता देते हो ग्वालियर में। तेली का मंदिर कहां पर स्थित है, आप बता देते हो ग्वालियर में। पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है, तो आप बता देते हो ग्वालियर के किले को, ठीक है। और घाटी गांव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बता देते हो सर ये तो ग्वालियर में है। तो ग्वालियर के इतने सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आपको रटना है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक जो शाखा है, खंडपीठ है, वो ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। इतनी चीजें आपको ग्वालियर में याद रख लेना है। और ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर रोहित जी, अगला है आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए, तो वन्यजीव रिजर्व वो कौन सा है दोस्तों, देवेंद्र जी, है ना, वो उत्तर बताना है हमें। और यहां पर प्रश्न क्रमांक 10 का वंदना सिंह जी, क्या उत्तर हो जाएगा 10 का, है ना। और मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में कि नहीं आ रहा, याद हो रहा कि नहीं हो रहा, ये चीज सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं और अपने सभी साथियों को दोस्तों इस क्लास से जोड़ें, है ना। सारे साथी जब इस क्लास में पढ़ेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और पढ़ाने का मजा मुझे भी आएगा, है ना। और आपको पता है कि आधिकारिक शुभंकर जो प्राप्त हुआ वो कान्हा किसरी राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये भारत का प्रथम है, ऐसा भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व है जिसे ये शुभंकर मिला है, कौन सा, भूर सिंह, है ना, ये है भारत शुभंकर दोस्तों, ये शुभंकर मिला है। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, कौन सा, कान्हा किसली। और दोस्तों आपको पता है कि
कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया, कहां पर? काना किसली में। और काना को देखकर मंडोला, तो काना किसली आपका मंडला में है, ठीक है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम है, ठीक है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका उत्तराखंड में, याद रख लेना है। और सबसे पहले भारत में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था तो वो चलाया गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और मध्य प्रदेश में चलाया गया काना किसली, और काना किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी याद रखनी है। और बात करें मंडला की, तो दोस्तों मंडला में आपका फैन अभ्यारण भी है, फैन है ना, फैन अभ्यारण आपसे पूछा जाएगा कहां पर है, तो आप बता देना मंडला में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मोती महल कहां पर है, तो बोले सर मोती डला मिल गया तो मेरा मन डोल गया, तो ये भी मंडोला में ही होगा। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रख लेना है, और ये है दोस्तों आपका मंडला, है ना, मंडला इसके बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए, हाँ बिल्कुल सोनम जी, 1973 में ये चालू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। और बांदीपुर जो है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है, जो हमेशा पूछा जाता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको बताना है, हाँ जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली, ठीक है, पुराना नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है। और मजदूरों और गरीब परिवार को लिए बिजली सब्सिडी देने मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में कौन सी योजना शुरू की गई, जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, और उस योजना का नाम कौन सी योजना है, संबल योजना। संबल योजना दोस्तों कमलनाथ सरकार के द्वारा इस योजना को स्थगित कर दिया गया था, फिर शिवराज सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू किया है, संबल योजना को। और बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, संबल योजना, ठीक है। और अगला दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है, पचमढ़ी को, मैहर को, सिंगरौली को, या फिर जबलपुर को। और आपको पता है दोस्तों ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सिंगरौली, ठीक है। संस्कार धानी कौन सी है, जबलपुर, ये संस्कार धानी है जबलपुर, ठीक है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। संगीत राजधानी कौन सी है, संगीत राजधानी आपकी मैहर है, इसे संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है पचमढ़ी, तो इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो पचमढ़ी। आपसे क्वेश्चन बनेंगे चार प्रकार से, यहां से क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी है, बोले सर पचमढ़ी है, है ना। संगीत राजधानी कौन सी है, मैहर है। संस्कार धानी कौन सी है, जबलपुर है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। तो ये राजधानियों को आपको याद कर लेना है मध्य प्रदेश की, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका सतना है, सतना में आपका मैहर है, और ये मध्य प्रदेश का प्रस्तावित जिला भी है मैहर, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था, ग्वालियर का प्राचीन नाम। ग्वालियर के बारे में तो मैंने कई तथ्य आपको बता दिए कि सर सास बहू का मंदिर, सास और बहू गली में बातें करते हैं, तो सास बहू का मंदिर ग्वालियर में, ठीक है। गुजरी महल कहां पर है, ग्वालियर में, है ना। और पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर में, घाटी गांव अभ्यारण ग्वालियर में, मान मंदिर ग्वालियर, तेली का मंदिर ग्वालियर, ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, याद हो जाएंगी दोस्तों, एमपीजे के आप कभी भूल नहीं सकते, है ना। और ग्वालियर का प्राचीन नाम था क्या, गोपांचल, क्या था, गोपांचल, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तुंडीकर नाम था दोस्तों दमोह का, दमोह का प्राचीन नाम था तुंडीकर, ठीक है। खानदेश था बुरहानपुर का, है ना, बुरहानपुर का प्राचीन नाम था खानदेश। और बुरहानपुर और चंदेरी में खूनी दरवाजा है, आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है खूनी दरवाजा कहां पर है, तो बुरहानपुर और कहां पर है, चंदेरी में। और आपको पता है दोस्तों एकमात्र यूनानी महाविद्यालय है कहां पर, बुरहानपुर में, ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। और गोपांचल ये ग्वालियर का प्राचीन नाम, तुंडीकर ये दमोह का प्राचीन नाम, खानदेश ये बुरहानपुर का प्राचीन नाम, ठीक है, इसको याद रख लेना है। और अगला आपको बताना है दोस्तों कि जो यहां पर देखो ये आपका ग्वालियर है और ये आपका बुरहानपुर है, जो कि दोस्तों क्या है, ये दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिला, भारत का सबसे दक्षिणी जिला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप बता देना कौन सा है, बुरहानपुर, ठीक है, डी नंबर ये बुरहानपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ वेरी गुड दीपक जी, मुंडवारा कहा जाता है कटनी को, कटनी को क्या कहा जाता है, मुंडवारा, बोले कटनी हो जाएगी
मुंडे कट जाएंगे। आप बहुत सारी जब लड़ाई लड़ाई होती ना तो लोग बोलते हैं मुंडा कट जाएगा, मुंडवारा हो जाएगा, तो कटनी 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 हो जाएगी, तो मुंडवारा कटनी का है, ठीक है। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है, कटनी। अब मालवा का कबीर कैसे कहा जाता है, मालवा का कबीर बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी, संत सिंगा जी, कालिदास या फिर तानसेन। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताया था कि इनकी एक रचना है दोस्ती, कौन सी, हेमतरंगणी, जिसे कि क्या मिला है, हेमतरंगणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1955 में, सबसे पहले मिला दोस्तों, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। हेमतरंगणी और हेमकिरीटिनी इनकी रचना मानी जाती हैं, और एक रचना है इनकी साहित्य देवता, साहित्य देवता भी है माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। कालिदास की मेघदीत, और कालिदास दोस्तों इनका संबंध उज्जैन से है, और मालवा का कबीर कहा जाता है संत सिंगा जी को, संत सिंगा जी, और बी नंबर आपका सही होगा, ठीक है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, ठीक है, और इनका मकबरा कहां पर है, ग्वालियर में, तानसेन का, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों, बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, बेटी बचाओ दिवस ये कब मनाया जाता है, इसको बताना है, 5 अक्टूबर को या फिर 5 दिसंबर को या फिर 5 जून या फिर 5 नवंबर को, ये बताना है हमें, क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रज्ञा तिवारी जी, जितेंद्र जी, निकिता जी, राइट आंसर क्या होगा इसका, 15 का। और बेटी बचाओ आंदोलन मनाया जाता है दोस्तों 5 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। चित्र में देखो ये छोटी सी बेटी आपको 5 दिखा रही है, 5 बोलो, 5 सभी लोग क्या बोलो, 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर। तो इस प्रकार से ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों बेटी बचाओ दिवस, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है मंधार जलप्रपात, ये किस नदी पर है, मंधार तो मैंने आपको कई बार बताया है, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हाँ वेरी गुड जागृति जी, देवेंद्र जी, जल्दी से 16 का उत्तर बताना है, मंधार जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है, और आपका बिल्कुल सही है, मैंने कई बार बताया दोस्तों कि खंडवा में नर्मदा नदी पर मंधार जलप्रपात बना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना। और ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो गई, चंबल जानापाव से निकलती है, सोन अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती मुल्ताई से निकलती है, ठीक है, तो इनके उद्गम स्थल भी आप याद करते जा रहे हैं, और कल अपन नदियों को भी लेकर के आएंगे, है ना, नदी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाकर के कहाँ पर गिरती है, इसकी कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है, नदी को लेकर के आएंगे। और मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य कहाँ पर है, फैन फैन बताना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण माना जाता है दोस्तों नौरा देवी अभ्यारण, जो कि सागर में स्थित है, और आपसे पूछा गया फैन, बोले सर कान्हा को देखकर मन डोला, और कान्हा के हम तो फैन हो गए, कान्हा के क्या हो गए, फैन हो गए, तो कान्हा जब मंडला में है और फैन हो गए, तो फैन भी हम मंडलई में होगा, कहां पर होगा, मंडलई में होगा, तो मंडला यानी फैन अभ्यारण आपका बी नंबर मंडला सही हो जाएगा, ठीक है। दीपक जी मालवीय, मंडला सही है, वेरी गुड, बी नंबर। सीधी में आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आपको याद रखना है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, ठीक है। और अगला देखते हैं, ये है आपका मंडला, मंडला में फैन अभ्यारण है, फैन, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमा खनिज मिलता है, सुरमा दोस्तों, सुरमा बताना है, और आपको पता है बहुत सारे लोग जब तक सुरमा नहीं लगा लें, जब लो सुरमा ना लगा लें तब लो घर से नहीं निकलते, जब लो सुरमा ना लगा लें, जब लो ना लगा लें तो जब लो से बनेगा आपका जबलपुर, बोले सर सुरमा ना लगा लें जब लो हम घर से नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो सुरमा खनिज पाया जाता है आपका जबलपुर में, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सुरमा, ठीक है, ये जबलपुर में पाया जाता है सुरमा खनिज, वेरी गुड। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना, जबलपुर याद रख लेना, मैं भी जबलपुर से ही हूँ, और जबलपुर आना कभी आप लोग घूमने, ठीक है, और जबलपुर बहुत ही अच्छा शहर है दोस्तों, है ना, इसलिए मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, गन गैरेज बताना है, सीधी में है, कटनी में है, मंडला या फिर जबलपुर में है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है, 19 कहाँ पर मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री, गन गैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, है ना, ये सारी फैक्ट्रियाँ दोस्तों कहाँ पर है, जबलपुर में है, है ना, गन गैरेज, व्हीकल, मक्का, गेहूँ अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया है। तो गन गैरेज फैक्ट्री आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, जबलपुर, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर, जबलपुर में है गन गैरेज, व्हीकल फैक्ट्री।
और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? सीधी, महू, कटनी या फिर जबलपुर में? कहाँ पर है दोस्तों? और आपको पता है संविधान के जो जनक कहे जाते हैं दोस्तों, वो कहे जाते हैं अपने अम्बेडकर जी। ठीक है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाते हैं, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था? महू। दादा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर का प्राचीन नाम था महू, है ना, और इसे महू के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रश्न याद रख लेना। और ये है दोस्तों आपका इंदौर, यहीं पर आपका महू है, महू है ना। और महू के निकट से कौन सी निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से जान ने पाव और चंबल निकल जाती है। जान ने पाव और चंबल निकल गई, जान ने पाव और चंबल निकल गई। तो बोले सर जाना पाव चंबल। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ये उत्तर आपको वीडियो के बाद कमेंट में लिखना है, मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही, जय हिंद। ठीक है सभी लोग दोस्तों, खुश रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। वंदे मातरम।